Hello everyone, welcome to the new lesson on the course which is about the light of class 10th physics. This course is presented by me, Lovely Kumari. You can read more me from here. You can also rate, review, recommended and share the lesson if you liking them. You can also subscribe Crash Foundation. ये हमारा लाइट चैप्टर का 9th पार्ट है. अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जा कर के आप वो सारा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आगे का लेसन अच्छे से समझ आ सके. तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं. आज हम लोग को पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दे आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. फर्स्ट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, नॉर्मल हो गया, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो भी है सब लाई करेगा सेम प्लेन में. जस्ट सेम हम लोग पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, सेम वही लॉ है. सिर्फ यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे के जगह पर रिफ्रैक्टेड रे होगा. नाउ सेकेंड लॉ, द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये जो सेकेंड लॉ है वो रिलेशनशिप बताता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच. द रिलेशनशिप वॉज डिस्कवर्ड बाई स्नेल्स एक्सपेरिमेंटली इन 1621. और ये जो रिलेशनशिप जो है वो डिस्कवर्ड पहले ही हो चुका है. कब? 1621 में स्नेल्स एक्सपेरिमेंटली से. सो द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. इसीलिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब ये सेकेंड लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. ये जो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, मतलब कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एक रेशियो है किसके किसके बीच? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है. नाउ नेक्स्ट, इफ़ आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है. यही है हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. और इसको हम लोग क्या और बोल सकते हैं? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं. इसका डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये एक रेशियो है लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है. इट इज़ डिनोटेड बाई यू एंड एन. इसको किस चीज़ से यू या फिर एन से डिनोट करते हैं? इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला इज गिवन एज फॉलोज. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल टू सी बाई वी. अब सारे कंपोनेंट को देख लेते हैं. एन तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. सी क्या हो गया है? स्पीड ऑफ लाइट वैन इन वॉक्यूम. ये जो वॉक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं. वी मतलब हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट वैन इन मीडियम, जब कोई भी मीडियम में जो स्पीड का लाइट होगा वो हो गया. तो फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, एन इज इक्वल टू सी बाई वी. आप लोग साथ में प्लीज़ कृपया नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा. हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो. अब टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहाँ पे देखिए रिलेटिव छूट गया, आप लोग यहाँ पे रिलेटिव लगा लीजिएगा. जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दूसरा क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फिर लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम. अब लाइट जब वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगा तो जो वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ मटेरियल, कुछ मीडियम है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है? कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका NCERT बुक से लिया गया है तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा. एयर का होता है 1.0003, आइस का होता है 1.31, वाटर का होता है 1.33,
अल्कोहल का होता है 1.36, कैरोसिन का होता है 1.44, तो कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब आगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेस। अब स्फेरिकल लेंसेस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो पढ़ना है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि लेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का लेंस होता है। अ लेंस इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। जो लेंस जो है वो एक पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास है पहले तो ये समझ लीजिए, और ये दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है। देयर आर टू टाइप ऑफ लेंसेस, कॉनकेव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। हम लोग मिरर अगर अच्छे से पढ़े हैं तो फिर लेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आप लोग पहले जा कर के सबसे पहले स्फेरिकल मिरर का सारा वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम लोग पढ़े थे वहाँ पे, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। तो उसी तरीके से ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। अब सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आप अगर जान लीजिएगा तो आगे भी पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सब चीज़ आसानी से आप ऑब्जर्व और समझ सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कोई भी लेंस ले लीजिए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी लेंस ले लीजिए, तो ये जो मिड पॉइंट, यहाँ पे जो ये जो पॉइंट होता है सेंटर में, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द सर्फेस ऑफ द लाइन। ये जो हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इससे जो स्ट्रेट लाइन जो पास होगा इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। देखिए जो भी पैरेलल रे आएगा कॉन्वेक्स लेंस का है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो कोई भी पैरेलल रे आएगा और यहाँ से रिफ्रैक्ट करने के बाद जिस पॉइंट से जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, किसी पॉइंट से ये जो रिफ्रैक्ट होते हुए कट करते हुए जाएगा, तो ये जो पॉइंट हो गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब आगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के प्रिंसिपल फोकस तक का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब आगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच लाइट रेज ओरिजिनली पासिस टू द एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्केव लेंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये देखिए ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा कॉन्केव लेंस, बहुत सारा लाइट रेज आया पैरेलली और यहाँ से जाने के बाद ये देखिए, और ये जो इमेजिनरी लाइन से पीछे जो मिलाएंगे, तो यहाँ जो पॉइंट जो होगा इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, और ये पॉइंट से लेकर के ऑप्टिकल, ये फोकस हो गया और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। अगेन सेम है जैसे हम लोग पढ़े थे कॉन्वेक्स लेंस में, उसी तरीके से कॉन्केव लेंस में भी। अब नाउ नेक्स्ट, अ कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सारा पैरेलल रे, जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आता है उसको डाइवर्ज करता है। और कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, और जितना कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये जितना भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आता है उसको ये कन्वर्ज करता है। नाउ नेक्स्ट, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब रूल्स पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद इसका केसेस पढ़ेंगे। तो रूल वन, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस पासिंग थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। देखिए ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएगा और लेंस के पास जाने के बाद ये रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। ये हो गया हमारा रूल वन।
रूल टू क्या बोलता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। अब कोई भी लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगा, ये हमारा रूल टू बोलता है। अब रूल थ्री क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बिकम पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। अब कोई भी रे जो है वो फोकस से अगर जाएगा और लेंस के पास जाने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर के वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो रूल थ्री ये हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, रूल वन क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे आएगा रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से चला जाएगा। रूल टू क्या कहता है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जाएगा और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। रूल थ्री क्या बोलता है, जब कोई भी रे फोकस से जाएगा और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के चला जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, अभी हम लोग पीछे बॉक्स में देखे थे एनसीईआरटी का बुक, आप लोग मस्ट रीड करते जाइएगा, जैसे ही मेरा क्लास ख़त्म होता है आप लोग एनसीईआरटी का बुक रीड कर लीजिएगा ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे मैं जो भी चीज़ पढ़ाती हूँ वो सब एनसीईआरटी बेस्ड है और मैं इसका पीडीएफ जिस दिन जो भी चीज़ पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आप अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.33, 1.50, 2.42, 1.36, जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और कल मैं जो क्वेश्चन दी थी उसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री। थैंक्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।